नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रदेश के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने 6 मार्च को मुख्य बजट को लेकर आक्रोश जताया था। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ छलावा किया है, जिसको लेकर 43,000 कर्मचारी आक्रोश रैली निकालेंगे और राजधानी रायपुर पहुंचकर सरकार के वादा खिलाफी को लेकर नाराजगी जाहिर करेंगे, जिसमें हमारे कोरबा जिला बिलासपुर संभाग एवं सभी जिले से हजारों की संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी शामिल रहेंगे, जिसमें प्रांत अध्यक्ष संतोष खंडेकर, जिला अध्यक्ष पंचम दास, उपाध्यक्ष लखन दीवान, ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद एवं जिला सचिव गणेश राम ने मीडिया प्रभारी खीक राम को जानकारी दी है। और क्या है आपका मांग क्या है? हम लोग छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। पिछले 11 वर्षों से सरकारी स्कूल में सेवा दे रहे थे और 2018 के घोषणा पत्र में भूपेश बघेल टीएससी दे ने कहा था कांग्रेस की सरकार बनाओ और आपकी मांग पूरा किया जाएगा। आज 4 साल से अधिक हो गए कांग्रेस की चुनावी वर्ष का अंतिम बजट था, जिसमें 6 मार्च को हम लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि हमको पूर्णकालीन कलेक्टर दर मिलेगा करके, परंतु भूपेश बघेल के द्वारा मात्र हमको 300 रुपये दे करके 2800 रुपये मानदेय दिया गया है, जिससे हम लोग छलावा महसूस कर रहे हैं, हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और भूपेश बघेल से हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी मांग को भी विधानसभा सत्र में पूर्णकालीन कलेक्टर दर जारी करें। हम लोग अभी 21 तारीख को विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव भी करेंगे 21 मार्च को, और वादा और रैली निकाल करके भूपेश बघेल का जो 300 रुपये मानदेय में बढ़ोतरी के हैं, इसके खिलाफ में उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश भर से सरगुजा से लेकर बस्तर तक और पूरा दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर सभी संभाग के 43,000 कर्मचारी आएंगे और लामबंद होकर विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे। प्रांताध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ संतोष खांडेकर, रायपुर। सहयोगी कैमरामैन चित्रलेखा श्रीवास के साथ अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट।